मामला यह है कि जिला सुल्तानपुर ग्राम सभा मनियारी पोस्ट अलीगंज का रहने वाला निवासी हूँ थाना बंधुआ कला जिला सुल्तानपुर, जो कि मामला यह है कि 618 और 613 नाली और रास्ते के रूप में दर्ज है कुछ भू माफिया के लोग, जैसे कि निसार अहमद और असगर अली, ब्रजेश शुक्ला और दिलीप जायसवाल, कमलेश कसौधन, ये लोग फर्जी तरीके से बैनामा किए और बैनामा करवाए इसको, जो कि नाला और रास्ते के की जमीन पर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और हमने कई जगह इनके खिलाफ कई तरह के, जैसे कि SDM, DM और तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक विभाग, और जो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने शिकायत भी की, और अभी तक इनके सबके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि यह भू माफिया लोग हैं, इनसे हमारे जान को भी खतरा हो सकता है और जो पत्रकार भी हैं इनको भी खतरा हो सकता है। ऐसा ये कई दिनों से ऐसा चल रहा है मामला, जो कि मामले की एप्लीकेशन दिए हुए एक महीने के लगभग समीप होता चला आ रहा है, कोई कार्रवाई भी नहीं की गई अभी तक, जो कि नाला और रास्ते की वजह से ग्राम सभा के लोगों को काफी तकलीफ भी हो रही है। रास्ता जो है एकदम से बंद कर दिया गया है। आमिर जी, आपने एक बात कही दबंग किस्म के लिए, क्या दबंग गई है उनकी, इससे पहले भी क्या कोई घटना लोग घटना को अंजाम दे चुके हैं? जैसा कि यह इन लोगों का मामला रहता है कि जहां भी कोई विवाद का काम रहता है ये लोग दबंगई से करते हैं। जैसा कि यहां की इसी जमीन के मामले में इन लोगों के ऊपर 2-3 मुकदमा पहले से दर्ज है, और इनके ऊपर देखा जाए, अगर सही से जांच कराई जाए तो और भी मुकदमे निकलेंगे, कम से कम 10-5 मुकदमे तो फिलहाल निकलेंगे ही। जैसा कि जिला पंचायत निसार अहमद के सहयोग के भाई असगर अली, सबसे ज्यादा वही, जैसे कि करोड़ों की संपत्ति है और दिखाया बैनामा में दिखाया गया 8-10 लाख रुपए, और इस जमीन को बेचा गया है करोड़ों रुपए में लगभग, ऐसा ही बात है। मामला यह है कि जिला सुल्तानपुर में ग्राम सभा मनियारी अलीगंज में एक ऐसी जमीन है जिस जमीन पर अनाधिकृत रूप से कई लोग, दबंग लोग, जो कि इस समय जिला पंचायत भी हैं, वो लोग अनाधिकृत रूप से बैनामा किए हैं। जैसे कि असगर निसार, जो कि मौके के जिला पंचायत हैं, असगर अली के भाई निसार अहमद जिला पंचायत, जो कि दिलीप जायसवाल और कमलेश कसौधन को करोड़ों रुपए की संपत्ति, जो कि नाला और रास्ते के रूप में बेच चुके हैं, और उस पे जो कि ग्राम सभा की संपत्ति है वो जल्द से जल्द या इसे गिराना और हटाना चाहिए, और हमारे ग्राम सभा की संपत्ति को खाली कराना चाहिए। आमिर जी, आपने एक बात कही दबंग किस्म के लोग, क्या दबंग गई है उनकी, इससे पहले भी क्या कोई घटना लोग घटना को अंजाम दे चुके हैं? जैसा कि यह इन लोगों का मामला रहता है कि जहां भी कोई विवाद का काम रहता है ये लोग दबंगई से करते हैं। जैसा कि यहां की इसी जमीन के मामले में इन लोगों के ऊपर 2-3 मुकदमा पहले से दर्ज है, और इनके ऊपर देखा जाए, अगर सही से जांच कराई जाए तो और भी मुकदमे निकलेंगे, कम से कम 10-5 मुकदमे तो फिलहाल निकलेंगे ही। जैसा कि जिला पंचायत निसार अहमद के सहयोग के भाई असगर अली, सबसे ज्यादा वही, जैसे कि करोड़ों की संपत्ति है और दिखाया बैनामा में दिखाया गया 8-10 लाख रुपए, और इस जमीन को बेचा गया है करोड़ों रुपए में लगभग, ऐसा ही बात है।